बोले जैसे जैसे करने के लिए बोले वैसे वैसे हम कर लिए। और वहाँ कैमरा लगा हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था सर जी से मिलने के लिए, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। प्रधानमंत्री सर से लाइक मिल भी सकते हो आप, हाथ मिला सकते हो, बात कर सकते हो। चलो सारा राइड करने वाला है आपका भाई आज, ठीक है। आप लोगों को दिखाने वाला हूँ प्रधानमंत्री से मिल सकता है भाई, चलो कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसा जगह पे। चलो आज आपका भाई जा रहा है प्रधानमंत्री सर से मिलने के लिए, वो भी ग्रीन स्क्रीन में, रियल वाला नहीं। ऐसा लगेगा कि हाँ मैं पूरा प्रॉपर लगेगा कि मैं प्रधानमंत्री सर से, नरेंद्र मोदी सर से मिल रहा हूँ, हाथ मिला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा आप लोगों को। तो चलो काफी मजा आने वाला, आप लोगों को सब कुछ मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये दिल्ली का प्रधानमंत्री संग्रहालय है, ठीक है। चलो चलता हूँ, हेलीकॉप्टर राइड करने वाले है, काफी मजा आने वाला है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी होता है, हेलीकॉप्टर पे बैठ के देखा जाता है कि लाइक आप कहाँ जा रहे हो, लद्दाख वगैरह घूम सकते हो। मतलब एक ही जगह में आपको ऐसा लगेगा कि मैं लद्दाख शिमला वगैरह कहाँ कहाँ पहुँच गया हूँ। काफी मजा आने वाला है, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो अभी चलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, अब चलो इसके अंदर चलते हैं, टिकट वगैरह देखते हैं क्या सिस्टम है। तो गाइस हमने अंदर आ गया और यहाँ पे पर पर्सन का 50 रुपीज टिकट प्राइस है, ठीक है। तो हम आपका भाई भी टिकट ले चुका है दो। वाओ, अंदर आते ही नेक्स्ट लेवल वाला वाइब आ रहा है, सच्चा देशभक्त वाला। तो चलो आज और देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है, सब कुछ दिखाऊंगा। जब हमारे देश आजाद हो रहा था, होने वाला था, उस समय का वाइब आ रहा है यहाँ पे। इसमें ऐसा लग रहा है कि सच में युद्ध चल रहा है भाई, लड़ाई हो रहा है सब लोग देख रहे हैं आज। और दोस्तों मैं तो अलग ही एक्साइटेड दिख रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे को हेलीकॉप्टर राइड करना है। चलो सबसे पहले हेलीकॉप्टर राइड करता हूँ, उसके बाद मैं सब कुछ यहाँ का एक्सप्लोर करूँगा। और गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत सारा रील वगैरह बनाए, बहुत सारा फोटोज वगैरह लिए, जो कि इंस्टाग्राम पे आपको दिखेगा। तो इंस्टाग्राम पे एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और हाँ, मेरे को अभी यहाँ पे जाना है, तो चलो अभी यहीं पे चलते हैं, अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हमको यहाँ पे कुछ भैया बोले जैसे जैसे करने के लिए बोले वैसे वैसे हम कर लिए। और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सर जी से मिलने के लिए, चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, यहाँ पे जीमेल आईडी मांगेंगे और मेरे को सेंड कर देंगे वीडियोस। हाँ जी सर, 329@gmail.com। फाइनली अंदर आ गए हैं हेलीकॉप्टर राइड करने को। चलो अब अंदर देखते हैं, अंदर बोले भैया कि 10 मिनट रुक जाओ, अभी कोई भाई राइड कर रहे हैं, उसके बाद मेरा नंबर आने वाला है, फिर मैं अंदर जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, हेलीकॉप्टर राइड करूंगा, लद्दाख शिमला मनाली पूरा इंडिया में कवर करने वाला हूँ, सब कुछ देखने वाला हूँ एक ही हेलीकॉप्टर पर बैठ के। तो गाइस अंदर आ गए हैं, स्वागत है देवियों, सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। सेतु, ये पानी के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। सेतु देखें जो दुनिया का सबल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को
के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। एंड हो गया, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ समझ में आया। चलो बाहर जाके आप लोग को बताता हूँ। एंड हो गया, अलग दुनिया देखने को मिला हमारे अमेरिका में को आज। चलो बाहर चलते हैं पहले गाइस। इधर किधर घुसते हेलीकॉप्टर का कुछ इस टाइप का सीन था। वाओ, देखो यहाँ पे कितना, चार लोग, पांच छह लोग गए थे हम लोग, दो दो चार दो छह। चलो एक बार इस टाइप से दिखाते हैं। ये यही था जो अभी हमको 3D में दिखा रहा था। इसको छू के देखते हैं क्या है आगे। ये पर्दा है। तो ये रहा हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री। तो गाइस काफी कुछ मजा आया, काफी कुछ नए नए चीजों को देखने को मिला आज मेरे को, काफी अच्छा लगा। आई होप आप लोग भी देख पाए होंगे। तो गाइस यहाँ पे ना सब लोग सिग्नेचर कर रहे हैं, अपने अपने फोटोज इमेज लगा सकते हैं। चलो आपका भाई भी ट्राई करता है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग लगा रखे हैं। वहाँ पे लोग सिग्नेचर करते हैं, दिखाते हैं आप लोग का हमारा सिग्नेचर कैसा होता है। चलो बाद हमारा नंबर है, भाई अभी लिख रहे हैं टेक सेल्फी। ओके, अब मेरे यहाँ फोटो क्लिक हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे सिग्नेचर हो गया, वो भी लग रहा है 1995 का आदमी लिख रखा है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, दिखा दो। यहाँ टेक्स्ट सेल्फी मांग रहा है। ओके, अलाउ कर देते हैं। यहाँ फोटो भी हम क्लिक करवा लिए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे, वहाँ पे हमारा फोटो दिख जाएगा। अभी आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग लिखा गया। देखो वहाँ पे हमारा फोटो आ गया। यो वाजिब लोग यूट्यूब, आपका भाई देख रहे हो कहाँ पे पोस्टर में दिख रहा है। यो गाइस इसमें इतना। तो गाइस अभी हम लोग आ गए महात्मा गांधी सर का म्यूजियम में। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सर जी जो थे वो किस टाइप में पढ़ाई करते थे, कहाँ पे सोते थे, कहाँ पे खाते थे, कहाँ पे लेटते थे, सब कुछ आप लोग लाइव देख सकते हो गाइस। यहाँ पे पता है काफी सारा बुक वगैरह भी रखा हुआ है इस साइड में, जो कि आप लोग को मैं दिखाता हूँ। काफी सारा किताब रखा हुआ है, ये सब सारा किताब हमारे महात्मा गांधी सर पढ़ते थे। अब आ गया हूँ वोटिंग सेक्शन में, क्योंकि आपका भाई वोट देने वाला हो चुका है, ठीक है। तो मैं भी, मेरे को भी सीखना था कैसे वोट देते हैं, देखना था मशीन कैसा होता है। तो मैं आ चुका हूँ वोटिंग वाला सेक्शन पे मशीन देखने के लिए। काफी कुछ सीखने को मिला, सीख गया। तो गाइस आई होप आप लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मुझे पता है कि मैं काफी लेट से व्लॉगिंग ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, काफी कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। तो हाँ, अभी कुछ रीजन चल रहा है, लाइफ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी मैं एक्टिव होने वाला हूँ यूट्यूब पे, आप लोग बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना। बहुत जल्दी आप लोग का गुड न्यूज देने वाला हूँ, बहुत जल्दी मैं एक्टिव हो जाऊंगा गाइस। तो ऐसा ही प्यार बनाए रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब।